तो क्वेश्चन नंबर एक, पहले तो विधि गैस कैसे बनाते खाते हैं? खाते ऐसे बनेगा आपके, एक प्रक्रिया कैसा बनेगा, दूसरे का कैसा, तीसरे का कैसा, लास्ट प्रक्रिया भी ऐसी बनेगी आपको। इधर आए सबसे ऐसा कौन बनेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, यह आएगा डायरेक्ट मटेरियल वेजेस खर्चे और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को अगर कोई दे रखा है बटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको बांटना है। फिर अगर कोई इसके अलावा भी खर्चा है तो वो भी लिखना है आपको। इधर आएगा आपसे नॉर्मल रेस्ट है और वो रेट दे रखी है तो लिख दो, वरना नहीं लिखी हुई वेस्ट तो नहीं है, नहीं तो सीधा क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ ए है तो यहाँ बी आएगा, बी है तो यहाँ किसका नाम आएगा, ए का नाम आएगा, तो इसमें इसका नाम आएगा, तो यहाँ लिखना है आपको पिछले वाले प्रोसेस का नाम। ये अगर ए है तो ये आएगा आपके बी प्रोसेस, और ये अगर आपके बी है तो ये आएगी यहाँ पर ए प्रोसेस, ताकि यहाँ वाला यहाँ आ जाए आपके। और जैसे हमने यहाँ खर्चे लिखे थे वैसे यहाँ भी खर्चे लिखने और आगे भेजना है, और लास्ट में लिखना है फिनिश गुड्स, सबसे लास्ट में यहाँ पर फिनिश गुड्स लिख सकते हो, उससे अंत में जो बचा वो फिनिश हो जाएगा। जैसे सवाल दे रहे सवाल देख लो, ताकि ये वाले खर्चे आराम से आपको मालूम पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके एक दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एक में, तो सवाल नंबर एक में एक उत्पाद तीन प्रक्रियाओं से गुजरता है, प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पाद अगली प्रक्रिया की कच्ची सामग्री बनती है, और प्रत्येक सामग्री आगे और कच्ची सामग्री जोड़ दी जाती है, मतलब इसी कच्ची सामग्री में आगे और जोड़ देंगे, कच्ची सामग्री और आगे जोड़ देंगे, हर प्रक्रिया की आगे आगे देते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे खर्चे। इसने कहा जो खर्चा देर का, मटेरियल लेबर और तीनों का देर का, तो आप चाहो तो तीनों के खर्चे लिख सकते हैं। इसने कहा है 12,400 अप्रत्यक्ष व्यय हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, ये वाले पॉइंट, इनडायरेक्ट खर्चा देर का है कितना है 10,400, पूरे कंपनी कैसे बांटने आपको, श्रम लागत के आधार पर बांटने, श्रम लागत का ओवरहेड, जैसे मान लो देर का है 16, 24 और 12 देर का है, इस अनुपात में हम तीनों को बांट देंगे। फिर देने का उपयुक्त के अतिरिक्त 12,800 कच्ची सामग्री ए को निर्मित की गई, केवल ए को कितनी है आपके 12,800 है, और प्रत्येक प्रक्रिया को प्रति इकाई लागत दिखाते हुए ज्ञात करना, मतलब इकाई कितनी है, कहाँ लिखा हुआ है, पहले यह था ये लिखा हुआ 1,000 इकाई का दे रखा है, और देखो 12,800 की केवल ए को अलग से दे रखी है मटेरियल, तो देखो अलग से ए को दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखो रॉ मटेरियल कितनी है 1,000 दे रखी है, यूनिट तो 1,000 है और रुपए कितने दे रखे हैं, ए को अलग से दे रखे हैं 12,800। फिर अब तीनों के खर्चे, सबसे पहले ए के खर्चे लिखेंगे तीनों, मटेरियल लेबर और ओवरहेड, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आपको मटेरियल, मटेरियल कितना दे रखा है 20,000। फिर है आपके लेबर, लेबर कितनी है 16,000। फिर है आपके ओवरहेड, ओवरहेड दे रखा है आपके 10,000। अब मुझे इनडायरेक्ट खर्चे भी दे रखे हैं, ले वो क्या है आपके श्रम लागत के आधार पर बांटने, तो यहां लिखेंगे हम टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ओवरहेड के अनुसार बांटने। अब अनुपात कितना है 16, 24, 12 का, या और 8 तो 4 से ज्यादा है भाग, तो 4:6:3 ये आ जाएगा आपके 4:6:3, क्योंकि 4 का भाग 16 में जाता है, 4 बार छोटे कर सकते हो, नहीं तो यही रहने दो जो दे रखे हैं आपके 16, 24 कितने होते हैं 40, 40 से 12 कितने हो गए आपके 52, तो क्या करेंगे हम 10,400 में 52 का भाग देंगे और गुणा कितना कर लेंगे हम 16 से, तो आ जाएगा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, देखो ये डबल है इसका, डबल है तो यहाँ आ जाएगा डबल, बोला कितना 3,200 रुपए। अब टोटल कर लो सबकी जोड़ कंप्लीट, ये पहली प्रक्रिया खत्म, 12,800 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 3,200 रुपए, ये आया है आपके 62,000, और इकाई कितनी है 1,000, यहाँ लिखेंगे 1,000, यहाँ हो गया है 62,000, वापस यहाँ 62,000, यहाँ हो गया 1,000, और ये कहाँ भेजेंगे हम प्रोसेस बी में भेजेंगे। और बताओ अब पोस्ट पेमेंट भी निकालना है, तो खर्चा कितना लगा 62,000, यूनिट कितनी है
1000, तो बताओ कितने रुपए है? 62 रुपए। पहली प्रक्रिया कितना रुपए है? 62 रुपए आ गया। अब दूसरी प्रक्रिया, अब वो है भाई में, ये क्या आएगा आपके 2 में। 2 क्या लिखेंगे हम? प्रोसेस ए अकाउंट। कितना वहां से आया है? 1000 और 62000 रुपए का खर्चा। अब यहाँ तीनों खर्चे वही, एक तो लिखेंगे मटेरियल, देखो ऊपर वाला रॉ मटेरियल दे रखा है वो केवल एक के लिए था। अब आगे वापस तीनों खर्चे, ये चारों खर्चे लिखने हैं आपको। एक तो आएगा आपकी मटेरियल, एक आएगा आपकी लेबर, एक आएगा आपके ओवरहेड, और फिर है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं 10,400 रुपए, वो आपको ज्ञात करने हैं 24/52। यहाँ डबल हो रहा था, यहाँ डबल कर दो, 4,800 रुपए। बाकी का तो दे रखा है कितना है? 16, 24, 8, क्या हो जाएगा आपके 16,000, 24,000 और ये दे रखा है आपके 8,000। जोड़ो कितना होता है? 16,000, 4,800, ये होता है 90,800 होता है। यह हो गया है आपके 1000। जोड़ गलत लिखिए, 62,000 + 16,000 + 24,000 + 8,000 + 4,800, ये होता है 114,800। जोड़ से 1,14,800, 1,14,800। यहाँ भी हो गया 1000, यहाँ भी लिखेंगे 1000, 1,14,800। ये कहाँ भेजेंगे हम? प्रोसेस सेकंड में, प्रोसेस सी में। और रेट निकालेंगे, अब निकालेंगे कोस्ट पर यूनिट कितना, 1,14,800 / 1000, तो 114.80। यहाँ एक ही बात, अब आपके भाई में देखे आएगा 2 में, क्या लिखेंगे हम? प्रोसेस बी का नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1000 और यहाँ हो गया 1,14,800। तो वही जो सभी खर्चे हमने लिखे सेम, सबसे पहले है आपके मटेरियल, फिर है आपके लेबर, और फिर है आपके ओवरहेड, फिर है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 10,400 × कितना है? 12,000 है, तो 12,000 / 52,000 सभी को जोड़ के ऐसे निकाल सकते हो। डबल कर दो, 12 कितना होता है? 2400 रुपए। बाकी का दे रखा है 8,000, 12,000, 4,000, तीनों का दे रखा है 8, 12 और 4,000, 8,000, 12,000 और 4,000। जोड़ कर लो, 114,800 + 20,000 + 24,000, 6,400, 141,200। यहां भी हो जाएगा 1000, ये 2400 रुपए है, 141,200 सही है, 1000। यहां भी 1000, 141,200, यहां लिखेंगे बाई फिनिश गुड्स, निर्मित माल, तो यहां निकालेंगे कोस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 141,200 / 1000, 141 रुपए और 20 पैसे आ गया।